पार्ट में दोबारा बता, हमें यहाँ पे गिवन था फर्स्ट पार्ट में, ए इज द ओरिजिन, तो ए ओरिजिन है तो ए बी आपकी एक्स एक्सिस बन गई, ये आपकी वाई एक्सिस बन गई, ये आपको फिगर बुक में गिवन है, ये 1 1 मीटर के गैप पे है, आपको डिस्टेंस पे गिवन है, तो आपने पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स ले लिए, इसको वाई एक्सिस लेके इसको एक्स एक्सिस लेके। अब उसने सेम फिगर में कहा कि इफ सी इज द ओरिजिन, इसको ओरिजिन लेके चलना है, बुक को टर्न कर लो, अगर सी ओरिजिन है आपका तो ये आपकी बनेगी एक्स एक्सिस और ये आपकी बनेगी वाई एक्सिस। अब इसको एक्स एक्सिस लेके और इसको वाई एक्सिस लेके सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज हो जाएंगे, पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे आप जब सी से चेक करोगे उसको, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स ये आपका 12th पॉइंट यहाँ पे बन रहा होगा और इधर से ये आपका 2nd पॉइंट बन रहा होगा, तो पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 12.2। क्यू के कोऑर्डिनेट्स को चेक करोगे तो एक्स एक्सिस पे 13 होगा, वाई एक्सिस पे इधर 6 होगा। सेम वे में आर के कोऑर्डिनेट्स चेक करोगे तो आर इधर आपका 10 होगा और जो इधर से आप लेके चलोगे डिस्टेंस दैट विल बी 3। यू कैन चेक इट, बुक को रोटेट कर लो, उल्टा ले लो, इस वे में ले लो बुक को अपने, और फिर इधर से ये सी वाले पॉइंट्स जो हैं, सी ओरिजिन है तो इधर काउंट करना शुरू करोगे, सेम वे में ये आपकी वाई एक्सिस है तो नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करो, सो यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? चलें अगले क्वेश्चन पे। यस ऋषिप, मैम इसका एरिया नहीं कैलकुलेट करना? एरिया पार्ट बचे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिलीटेड है सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट कैलकुलेटिंग। ठीक है, मैम 7.3 मतलब अब 7.3 भी नहीं ना करनी? में भी, तभी मैंने बच्चे सारे क्वेश्चंस नहीं करवाए उसमें, सिर्फ जिसमें हमें अननोन वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि कोलिनियरिटी का कंसेप्ट डिलीटेड नहीं है, आपका पेपर एमसीक्यू फॉर्म में आना है और इससे जो कैलकुलेशंस हैं वो इजी हो जाती हैं, इसलिए ये आपको मेथड करवाया है, अदरवाइज एरिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं ट्राइंगल के दैट आर डिलीटेड, बट दिस फॉर्मूला इज टू बी यूज्ड इन कोलिनियरिटी तो इसलिए वो आपको करवाया है। ठीक है, अदरवाइज ओके आपकी मैम, 7.3 डिलीटेड है बट सेकेंड क्वेश्चन यू आर टू डू। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे हम जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर 4, 6, 1, 5 एंड 7, 2। अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली सच दैट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। हमें एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि डी और ई जो हैं दो पॉइंट्स हमें गिवन है इस तरीके से कि ए डी अपॉन ए बी रेशियो है 1:4, ये 4 पार्ट्स हैं, ये आपका 1 पार्ट है, इसी तरीके से यहाँ पे भी दिस इज 1 पार्ट एंड दिस इज 4 पार्ट, तो ए डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इज 1/4। अब वो क्या कह रहे हैं आगे, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी ई, एरिया हमने कैलकुलेट नहीं करना बट वी आर टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी एंड ई, हमें इतना पार्ट आ सकता है क्वेश्चन का, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी एंड ई, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ, अदरवाइज एरिया वाला पार्ट आपका डिलीटेड है। अब डी और ई के जो हैं कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम अगर समहाउ ये निकाल लें कि ये रेशियो कितनी है, ए डी अपॉन डी बी रेशियो कितनी है, तो वी कैन इजिली फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। उसके लिए पहले भी हम इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, ए डी छोटी साइड है, ए बी बड़ी साइड है, पॉइंट डी इज लाइंग ऑन ए बी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल लोगे तो इनको मैं अलग अलग लिख लेती हूँ, ए डी अपॉन ए बी का रेशियो भी 1/4
और इधर से ए ई अपॉन ए सी का रेशियो भी 1/4। रिवर्स कर लो, रेसिप्रोकल ले लो, ए बी अपॉन ए डी इज 4/1। ए बी कैन बी रिटन एज ए डी प्लस बी बी। याद आ गया, ऐसे पहले क्वेश्चन किया हुआ है। सो दिस इज ए डी अपॉन ए डी प्लस बी बी अपॉन ए डी, दिस इज इक्वल टू 4। ये 1 आ जाएगा कट करके आपका, तो यहाँ से बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू 4-1। बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू 3। मुझे रेशियो निकालना है ए डी और डी बी का, अगेन रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1/3। सेम वे में आपका ए ई अपॉन ई सी का रेशियो भी 1/3 आ जाएगा। सिमिलरली ए ई अपॉन ई सी इज 1/3, क्योंकि वो भी रेशियो आपको 1/4 गिवन था, तो सेम उसका भी यही रेशियो आएगा। क्लियर? अब क्या करना है हमें, वी आर टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी एंड ई। दोबारा देखो, मुझे ये चीज गिवन थी, ठीक है, यानी कि रेशियो किस किस की गिवन है, ए डी की, और इसके साथ ये साइड ए बी की। अब अगर मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं, ये लाइन हमें गिवन होती है, ये हम पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट इस पूरी साइड को इस और इसके रेशियो में डिवाइड करता है। अगर मैं वैसे अब देखूं तो ये और ये फुल रेशियो मुझे गिवन है, तो मुझे इसकी और इसकी रेशियो निकालनी है। तो जो ये ए बी फुल गिवन था मुझे, आई कैन राइट इट डाउन एज ए डी प्लस डी बी। अगर मैं जैसे मुझे गिवन है एज इट इज ऐसे लिख देती हूँ, तो मेरा ये क्या बनेगा, ए डी अपॉन ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू 1/4, ये बनेगा। जब मेरे पास डिनोमिनेटर में ऐसे प्लस में होता है, मैं ऐसे नहीं लिख सकते इसको ए डी अपॉन ए डी प्लस डी बी अपॉन ए डी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैंने रेसिप्रोकल लिया पहले, फिर ये चीज करते, ठीक है। अब क्योंकि न्यूमिरेटर में है प्लस का साइन, तो दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, इट कैन बी रिटन इन दिस वे। अब जब मैं इसको ऐसे लिख लूंगी, तो मेरे पास डी बी और ए डी ये रेशियो आ जाएगी, यही मुझे रिक्वायर्ड है। समझ आ गया? इधर भी सेम वे में मुझे ए ई और ए सी की रेशियो गिवन थी, मुझे ए ई और ई सी की रेशियो निकालनी थी, तो सिमिलरली करके आप लिख दोगे, क्योंकि सेम रेशियो गिवन थी। यानी कि बी डी ए डी अपॉन डी बी 1/3, यानी कि डी इज डिवाइडिंग ए बी इन रेशियो 1:3, ठीक है। सिमिलरली ई इज डिवाइडिंग ए सी इन द रेशियो 1:3। ये कटा, ए डी अपॉन ए डी इज 1, इधर प्लस 1 था, इधर आके क्या हो गया, -1, ठीक है। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क, अदरवाइज अब मेरे पास डी और ई दोनों की रेशियो आ गई है कि वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। E is dividing AC in the ratio 1:3. अब A, B, C के coordinates हमें given है। A given है हमें 4-6, B is 1-5, and C is 7-2. अब calculate करो, ये erase कर दूँ? यहाँ तक कोई doubt है तो you can ask, otherwise I am erasing the board. Online students also, if any doubt is there, you can ask. अब हमारे पास D का रेशियो आ गया है कि D और E किस रेशियो में उसको डिवाइड कर रहे हैं। वी आर टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D एंड E। अब ये क्वेश्चन मेरा रिड्यूस हो गया टू द फॉर्म, ये AB, D is dividing it in the ratio 1:3, A के coordinates 4-6 और B के coordinates 1 and 5।
अब सेक्शन फॉर्मूला लगा के कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकाल लोगे, क्या आएगा? वन इंटू वन प्लस थ्री इंटू फोर, कितना आएगा? सेक्शन फॉर्मूला लगा रही हूँ बेटे मैं, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, वाई कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही ले लेंगे, वन इंटू फाइव प्लस थ्री इंटू सिक्स अपॉन में वन प्लस थ्री, तो ये आ गया आपका वन प्लस ट्वेल्व थर्टीन बाय फोर, और ये आ गया फाइव प्लस एटीन ट्वेंटी थ्री बाय फोर। तो ये डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ऐसे ही आपने ई के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं। E भी जो है दैट इज डिवाइडिंग इट इन द रेशियो वन रेशियो थ्री, सो वन इंटू सेवन प्लस थ्री इंटू फोर, आप चाहो तो इसी वे में उसको भी कर लेना, ठीक है, अपॉन में सम ऑफ रेशियो एंड वन इंटू टू प्लस थ्री इंटू सिक्स नाइनटीन बाय फोर ट्वेंटी बाय फोर दैट इज फाइव। सो दिस इज योर आंसर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी एंड ई। आगे जो आपको गिवन है फाइंड द एरिया, वो हमने कैलकुलेट नहीं करना है, ओनली अप टू दिस पॉइंट हम ये क्वेश्चन करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेवन। सेवन का मैं हिंट दे रही हूँ आपको, आप खुद इसको करना ट्राई। लेट ए बी सी बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ये कर दो ही रेस हो गया। ए बी सी जो है वो एक ट्राइंगल हमें गिवन है, वर्टिसेस ऑफ ए हमें गिवन है फोर टू, बी इज सिक्स फाइव एंड सी इज वन फोर। द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी एट डी, मीडियन कहाँ पे मीट करता है? मिड पॉइंट, यानी कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, सिक्स प्लस वन बाई टू, फाइव प्लस फोर बाई टू, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आ जाएंगे, क्या आएंगे? सेवन बाई टू एंड नाइन बाई टू। फिर वो कह रहे हैं कि ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी ऑन ए डी सच दैट ए पी रेशो पी डी इज टू रेशो वन। अब पॉइंट पी मुझे गिवन है ए डी पे, ये पॉइंट पी गिवन है विच इज डिवाइडिंग इट इन द रेशो टू रेशो वन। ये टू पार्ट हैं ए पी, पी डी वन पार्ट है, तो आपको पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। यानी कि अब ये क्वेश्चन कैसे रिड्यूस हो गया, ये ए डी हमें गिवन है और ये पॉइंट पी इसको डिवाइड कर रहा है टू रेशो वन में, ए के कोऑर्डिनेट्स फोर टू, डी के कोऑर्डिनेट्स हमने मिड पॉइंट से निकाल लिए सेवन बाई टू एंड नाइन बाई टू। सेकेंड पार्ट हो जाएगा, निकाल लोगे आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू एंड आर ऑन मीडियंस बी ई एंड सी एफ सच दैट बी क्यू रेशो क्यू ई इज टू रेशो वन, सी आर रेशो आर एफ इज टू रेशो वन। अगेन बी ई मीडियन ड्रॉ करेंगे हम, सी एफ मीडियन ड्रॉ करेंगे हम, ये भी रेशो टू रेशो वन, ये भी रेशो टू रेशो वन। ई क्योंकि बी ई मीडियन है, यानी कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई के कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे मिड पॉइंट फार्मूला से। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे, तो अगेन ये रेशो टू रेशो वन में डिवाइड कर रहे हैं, ये भी टू रेशो वन में डिवाइड हो रहा है, ये भी टू रेशो वन में डिवाइड हो रहा है, तो कोऑर्डिनेट्स आप निकाल लोगे पी पॉइंट से, तीनों पॉइंट पी से पास करेंगे। पहले आपको वो क्यू और आर की टर्म्स में निकालना है, लास्ट में आप लिख दोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू एंड आर आर सेम। क्यों सेम होंगे? क्योंकि जब एक ट्राइंगल हमें गिवन होती है उसके जब हम मीडियंस ड्रॉ करते हैं तो दे ऑल पॉइंट पास थ्रू द सेम पॉइंट and that point is known as centroid. So now where centroid pehle? Kal main fir acche se explain kar dungi. Now the time is less, so main sirf question ka method aapko explain kar rahi hu. Aapne kya karna hai? D ke coordinates nikal loge using midpoint formula. P jo hai wo divide kar raha hai AD ko in the ratio 2 ratio 1.
तो आप पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे. सेम वे में बीई मीडियन गिवन है, एसी को ई टू पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी. ई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. अब क्यू एक पॉइंट है जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे. सेम वे में एफ मिड पॉइंट है ए बी का, एफ के कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे. सी एफ पे आर एक पॉइंट है जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो आर के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे. तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके सेम आएंगे, जो पी की वैल्यू है वही क्यू और आर की भी वैल्यू आएगी. अब वो आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्यू एंड आर आर सेम. ये आप ऑब्जर्व करोगे, क्यों सेम होंगे, बिकॉज द पॉइंट विच इज कॉमन टू ऑल द थ्री मीडियंस, जहां पे तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल. सो ये आप ट्राई करोगे, नहीं हुआ तो आई विल डिस्कस दिस अगेन tomorrow, and in your homework parts you are to do question number 4 and question number 6. Jitna maine karwaya hai only that part, you need not calculate the area. Question number 4 and 6 and this 7 also you will complete. Nahi hua to I will discuss the solution tomorrow. If any doubt is there, so I'm giving you the option to unmute.